नमस्कार, मैं हूं जम्मू ब्यूरो चंद्रदेव बनवाल। आप देख रहे हैं जेबीजे न्यूज 24। दर्शकों, गरीबी में जीवन यापन करने वाले सोनो थाना क्षेत्र के बरहाबा गांव निवासी शंभू यादव का पुत्र पिंडू यादव ने कड़ी मेहनत कर पढ़ाई करते हुए दरोगा का पद प्राप्त करने में सफलता हासिल की, जिसे लेकर कटहराटांड गाँव में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व MLC संजय प्रसाद एवं लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव सह चकाई विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रत्याशी संजय कुमार मंडल उपस्थित हुए। सबसे पहले आपको लेकर चलता हूं कार्यक्रम स्थल पर, जहां आपको दिखाता हूं दरोगा बने पिंटू कुमार का स्वागत किस प्रकार किया जाता है। हमारे गार्जियन सब लोग सुंदर शानदार तालियां। जोरदार तालियां, जबरदस्त तालियां। बहुत ही सम्मानजनक चीज है। एक बार सामने देखेंगे इधर। जोरदार तालियां होनी चाहिए सर, जोरदार तालियां। पंचायत समिति सदस्य होने के साथ साथ हमें नहीं लगता है कि जोरदार तालियां। थैंक यू के लिए भी, उप मुखिया जी के लिए भी। सामने देखेंगे एक बार इधर। मुखिया जी एक जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। हमारे गार्जियन स्वरूप तालियां के साथ जबरदस्त स्वागत। सामने इधर इधर सर के लिए फोटो लेने वाले साथी ध्यान से स्वागत करें। हमारे गार्जियन सब लोग शानदार तालियां, जोरदार तालियां। पीछे तुम हो जाओ। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरु वे नमः। अब मैं शिशु विद्या मंदिर के सारे विद्यार्थियों से स्वागत करने के बाद सामना तालियां। अगर यदि दुनिया में कोई सबसे ज्यादा। अब आपको दिखाता हूं दरोगा का पद प्राप्त किए पिंटू कुमार एवं उनके माता पिता ने क्या कहा। इसके पहले आप सबों से एक निवेदन है कि इस खबर को अंत तक जरूर देखें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपने जो इस पद पर प्राप्ति किए हैं, आप इसका इसके लिए किसको श्रेय देते हैं? सबसे पहले तो इस पद के लिए मैं अपने पापा को श्रेय देता हूँ, उनका बहुत अधिक प्रयास रहा। अगर आज वो इतना प्रयास नहीं करते शायद मैं इस पद पे नहीं पहुँचता। तो ये पद का प्राप्त करने के बाद आप अपने गांव वालों को, इतने समाज सभी बैठे हुए, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यहाँ उपस्थित तमाम सभी अभिभावक से यही अनुरोध करता हूँ कि वो अपने मन में एक दृढ़ निश्चय बनाए और ठीक सभी अपने बच्चे को एक ऊँची मुकाम तक पहुँचने के लिए कठिन से कठिन मेहनत करें, अपने बच्चे को उस मुकाम तक जरूर पहुँचाएँ। और यहाँ के युवाओं को जो अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? युवा लोग थोड़ा सा आज के डेट में कंपटीशन बहुत ही डिफिकल्ट है, बट अगर आपने ठान लिया ये नामुमकिन भी नहीं है।
ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? लखिया देवी। जो दरोगा बने हैं वो आपका कौन लगेंगे? वो हमको लड़का लगेगा, छोटा बच्चा। तो आपका लड़का दरोगा बन के आए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस हो रहा आपको? खुशी बात है। खुशी बात है ना। आपका लड़का दरोगा बन के आए हैं, आपने कड़ी मेहनत किए होंगे इनको पढ़ाने के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे यही कि आगे पीढ़ी वाला की जैसे में भी अनुशंसा करे, मतलब आगे बढ़े के और ईमानदारी पूर्वक से अपना जॉब करे। आपका क्या नाम हुआ? संभुजा। ये आपका लड़का है? जी। कौन सा लड़का, बड़े या छोटे? छोटे हैं। छोटे हैं। और आपको खुशी महसूस हो रहा है कि नहीं? ये पत्र और अब आपको दिखाता हूँ कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व MLC संजय प्रसाद, राजद नेत्री सह चकाय के पूर्व विधायक सावित्री देवी एवं लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव सह चकाय के पूर्व विधायक प्रत्याशी संजय कुमार मंडल एवं दरोगा बने पिंटू कुमार को शिक्षा प्रदान करने वाले गुरुजनों ने क्या कहा? हाँ दीजिए सब आप देख लीजिए, दिखा ठीक मुकेश। हाँ ले। बहुत कम उम्र में ये दरोगा बने हैं और बहुत गरीबी से, आप क्या है इसको कहना चाहेंगे? इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ और हम लोगों का गौरव है, खुशी हूँ कि मेरे इतना कम उम्र में मेरे भतीजा हुए जी, दरोगा हुए। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इसी तरह सब हो, हुए इसे DSP हो, SP हो, मेरा यही मनोकामना है, भगवान से प्रार्थना करके आगे बढ़ते जाएं। अग्रिम बधाई हम बधाई पहले हम देना चाहती हूँ, ये तो दरोगा हुई है, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आगे बढ़ते जाएं, कि DSP SP हो, यही हमारा क्षेत्र का नाम रोशन हो। हमारा जो इलाका है जम्मू पॉलिटिकल इलाका भी है और हमारे शिक्षा के भी इलाका है, लेकिन हम अभिभावकों को सजग होना चाहिए, हमारे बच्चे को पढ़ाने का पहले संकल्प लेना चाहिए। हम अभिभावक पहले ही सोच लेते हैं कि पढ़ेगा तो नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। जो विद्यार्थी जो बच्चे पढ़ेंगे निश्चित रूप से अपना निश्चय यदि दृढ़ इच्छा बना लेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। पिंटू जी के बारे में मैंने बताया, इन्होंने जब घर से निकला था जब तक हम नहीं कुछ बनेंगे हम घर नहीं आएंगे, तो क्या हुआ, दृढ़ इच्छा हुआ, दृढ़ इच्छा से संकल्प लिया, आज ये हासिल करके दिखाया। और हम अभिभावक से आग्रह करेंगे कि आधा रोटी खा के भी बच्चे को निश्चित रूप से पढ़ाइए, भूखे भी रहना पड़े महीना में दो दिन तक कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे को पढ़ाने में कोई कोताही नहीं करिए, वही गरीबी को दूर कर सकता, वही अंधकार को प्रकाश के रूप में परिवर्तन कर सकता। खुशी की बात है कि अनिल बाबू ने भी बताया कि इस पंचायत में एक भी प्रशासनिक पद पर एक भी कोई भी कार्यरत नहीं थे और आज ये गरीबी से पलकर इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है, इसके लिए मैं पिंटू जी को बहुत बहुत धन्यवाद और धन्य है इनके माता पिता जिन्होंने कठिन परिश्रम के बावजूद भी अपने बेटा को दरोगा बनाया, और हम चाहते हैं कि इस पंचायत में ऐसे और माता पिता हों जो अपने बेटा को दरोगा बनाएं। और मैं पिंटू जी से आग्रह करूंगा कि अपनी सेवा को देते हुए IAS बनिए और आप UPSC क्वालिफाई कीजिए, और मैं अग्रिम बधाई देता हूँ कि आप जैसे होनहार स्टूडेंट छात्र आप IPS IAS भी बन सकते हैं। तो मैं आपको पुनः धन्यवाद देते हुए, आपका आभार प्रकट करते हुए आपको मैं अग्रिम बधाई देता हूँ कि आप IAS और IPS पद पर आप चयनित हो आपका, ताकि इससे बड़ी सभा प्रखंड मुख्यालय में हम लोग करेंगे। धन्यवाद। पिंटू कुमार जी जो कि बिहार सरकार के
प्रशासनिक विभाग में दरोगा के रूप में चयनित हुए हैं। उनके सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे क्षेत्र के पूर्व एमएलसी साहब सह विधानसभा प्रत्याशी श्री संजय प्रसाद सिंह जी उपस्थित, हमारे गंदर पंचायत के पूर्व मुखिया अर्जुन यादव जी। आज यह कोई समारोह नहीं, यह एक उद्बोधन सभा है। ग्रामीणों द्वारा ग्रामीणों को प्रोत्साहित करने का यह एक मंच है। यह मंच यह बताता है कठिन परिस्थितियों में भी यदि मनुष्य लगातार अपने लक्ष्य को देखता रहे तो निश्चित रूप से उसे सफलता प्राप्त होगी। और खास करके हमने तो बच्चे से ही इसे पढ़ाया है, तो आज जिस प्रकार किसान को अपने लहलाते हुए खेत को देखकर और माता पिता को अपने बच्चे को देखकर उतनी खुशी होती है, उससे ज़्यादा खुशी हम शिक्षकों को अपने बच्चों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने मेरा आशीर्वाद है। ये दोनों भाई आगे बढ़ें और अपने साथ साथ समाज को भी प्रेरित करें, बच्चे विद्यालय जाएं, पढ़ें, क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई है, आज का समाज समय ऐसा हो गया है कि अर्थ बाधित नहीं है, अर्थ के लिए कोई बहुत सारी समस्याएं हैं, विद्यार्थी को पढ़ने वाला होना चाहिए। धन्यवाद।